के बदलाव का माहौल है। ये जो रैली है जो आप देख रहे हैं ये लोगों का प्यार है। कैंप को गौनी चक से शुरू हुई ये रैली, ये शक्ति नगर में खत्म होगी, जीवन से होती बख्शी नगर से होती। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप कवरेज कर रहे हो और लोगों का इतना जान सुना, इतना प्यार, ये बदलाव के लिए, ये स्टेट रिस्टोर करने के लिए जो ज्यादा जातियां की हैं बीजेपी ने उनके खिलाफ है। तो आने वाले दिनों में देखना जम्मू वेस्ट की सीट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट को जाएगी। और ये है कि जो लोगों के काम रुके हैं ये सब मैं पूरे करने की कोशिश, लेके लास्ट तक ये रैली देखना, 1 किलोमीटर की रैली है, कहीं एक जगह खड़े हो जाओ स्टार्टिंग में, एंड तक इसको जरूर कवर करना। जम्मू वेस्ट के जनता को कहेंगे मैं आपका बच्चा हूँ। जब भी ये जो इधर MLA आते थे वो बाहर से आते थे, मतलब कि चमन लाल जी आए, हंसराय डोगरा जी आए, मंगत राम शर्मा जी आए, लेकिन मैं उनका बच्चा हूँ। मेरा नाम पिंका है, जो लोग इस बार वोट पिंके को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, बाया पिंका मार्जिन रहने वाला जीत का। चलो अब देखो भगवान करे कि सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि सभी लोग बाहर निकलें और मेरी फेवर में वोट डालें। जो ये 10 साल में बीजेपी ने लोगों को तंग किया है उसका मैं निजात दिलाने की कोशिश करूँ। ये बुखलाई हुई है गवर्नमेंट, अपने लिए सब परमिशन है, लेकिन हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी जो जिन्होंने चिट्टे की भी बात की, बेरोजगारी की भी बात की, हर एक चीज की बात की, और साथ में जो 10 साल इन्होंने विफलता की है, जो 10 साल लोगों को तंग किया है, जो स्टेट को यूटी में किया है, प्रियंका गांधी जी ने कहा, साफ शब्दों में कहा कि हमने स्टेट को रिस्टोर करवाना है और लोगों को जॉब देना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो चरम सीमा पे है। तो ये सभी बातें की प्रियंका गांधी जी ने, और आने वाले दिनों में देखना 1 तारीख को जो सभी लोग जो हैं बदलाव के मूड में हैं, चुपचाप हैं, इनको कोई बीजेपी को बता नहीं रहा, इनके पैसे भी खा रहे हैं, लेकिन वोट कोई नहीं देने वाला इनको।